26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर तेजस्वी यादव का जोरदार हमला। 20 वर्ष हो गए लेकिन बिहार में अब तक कुछ भी चीज ठीक नहीं। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि चौक चौराहे पर जो है वो अब चर्चा हो रही है कि नीतीश भाजपा की जो सरकार 20 साल से है वो किस तरीके से क्या कर रही है, इस बात को लेकर चर्चा हो रहा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट के माध्यम से सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा है कि अब गांव गांव व प्रत्येक चौक चौराहे पर हर कोई बोल रहा है कि 20 वर्षों की नीतीश भाजपा सरकार को तथ्य तर्क और सत्य से कोई मतलब नहीं रह गया है। आमजन थाना ब्लॉक में व्याप्त बेकाबू भ्रष्टाचार, खाद की कमी, बेलगाम महंगाई, बेतहाशा गरीबी, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी तथा अनियंत्रित पलायन से त्रस्त है। तेजस्वी यादव ने सरकार के ऊपर ये हमला किया है। उन्होंने कल जिस तरीके से रामगढ़ में उपचुनाव के दौरान रोड शो किया, रोड शो के दौरान उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। साथ ही साथ यह भी ऐलान किया कि जो गरीब परिवार की बहनें हैं उनको 1,00,000 रुपया सालाना दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने इस बात का ऐलान चुनावी जनसभा में भी किया है, जब उन्होंने झारखंड में जब वो भाषण दे रहे थे या फिर जहां भी वो चुनाव के दौरान उन्होंने भाषण दिया है वहां इस बात का जिक्र किया है। लेकिन नीतीश कुमार की जनता की जो आवाज़ है, अब गांव-गांव में प्रत्येक चौक चौराहे पर हर कोई बोल रहा है कि 20 वर्षों की नीतीश भाजपा सरकार को तथ्य और तर्क सत्य से कोई मतलब नहीं रह गया है। आमजन थाना ब्लॉक में व्याप्त बेकाबू भ्रष्टाचार, खाद की कमी, बेलगाम महंगाई, बेतहाशा गरीबी, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी तथा अनियंत्रित पलायन से त्रस्त है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट के माध्यम से नीतीश कुमार के ऊपर सवाल तो खड़े किए ही हैं, साथ ही साथ आम जनता में इस बात को लेकर जो चर्चा हो रही है उन्होंने उसका जिक्र किया है कि आम जन अब जो 20 साल से नीतीश भाजपा की सरकार है वो सरकार को लेकर जो है उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। लगातार बिहार में बेरोजगारी को लेकर, पलायन को लेकर, गरीबी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो सवाल खड़े करते रहे हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से लगातार जो बिहार में बेरोजगारी का मामला हो या सरकारी नौकरी देने का मामला, तो इस बात को लेकर तेजस्वी यादव ने पहले भी इस बात को कहा है कि सरकारी नौकरी हमने 5,00,000 दिया है, साथ ही प्रक्रियाधीन भी किया है और अगर मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आता है तो बुला ले, तेजस्वी बैठा है, नौकरी कैसे मिलता है वो बताने के लिए। तो साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जोरदार हमला, जनता की आवाज। बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ नमस्कार।